तो करनाल रेलवे स्टेशन की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और रेलवे ट्रैक पर हुक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत कम तस्वीरें आपने देखी होंगी कि रेलवे ट्रैक पर लोग हुक्का पी रहे हैं, और आज आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हरियाणा का किसान है वो इस रेलवे ट्रैक पर, आप ये देख सकते हैं ये रेलवे ट्रैक है, और किस प्रकार से हुक्का पीते हुए फिलहाल जो किसान हैं दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बात करना चाहेंगे, ताऊ जी हुक्का पिया जा रहा है क्या? पी लाग रहे बेटा, और कब पियाऊंगे? अच्छा। हाँ बेटा, वो कब पीन क्या रहे उड़ा तो उक्का उक्का के। अच्छा। मरण भी आ रहे। अच्छा। मरेंगे ताऊ और। अच्छा। और क्या करेंगे, हमने मरना आयु। तो ट्रेन रोकी आज की? नहीं रोका गया, और भी। अच्छा, तो भी और ट्रेन कौन सी आई थी अभी? यहाँ मालगाड़ी आ रही थी बेटे। अच्छा, रोक ली फिर? अब पर रुक ली मालगाड़ी ने। एक मिनट बेटे, मालगाड़ी भी मरता डर रहा है, वो हमारी ये नहीं है, उसमें माल भर का था हटाने की को कर हटाने सारी थी आज वहाँ भी काटी बोली, मैं भी इंतजाम दिया गया, मैं भी उड़ी रुकूंगी इनके पीछे किसान में। अच्छा, हमारी काटी है उड़ी रुक ली, हमने रोक ली, और भी आएंगी रुकेंगी गाड़ियाँ वहाँ, सारी उड़ी रुकेंगी हमारी गाड़ी। अच्छा। और अंबानी ने थोड़ा छोड़ दिया वहाँ गाड़ी, मारी गाड़ी भग लग गए। उड़े जानी मोदी ने कुछ गड़बड़ी कर दी? अरे कुछ भी कर सका और डंडा तो दे देंगे भाई। एक और बात है, बात एक और हो रही, यू लठ बादल में बादल नाल हो रहा, देश में क्रांति आने वाली हो रही, रोज पर रोज पंगे होने लग रहे। आई पड़ी हमने बूटिया दिख रही, हत्यार है ना, हत्यार है करियो, कुटके रखो कुटके कुटके, ये माई बतेरे ले रहे हैं। अरे मैं मिनिस्टर पिटले और निको छेड़ना, एमपी एमएलए मिनिस्टर ये पिटने ये सुधारने, इनने तो देश दमा लूट का खा लिया, लूट का सारा तक खान लाग रहे, जीरी में देख रहे ओनू का तो दुशिया, मैं पथ छोड़ दूंगा दे, या एसपी नहीं रही थी वो बादरा कोई खरीदता भी नहीं, और निको तो उसका बापू मैंने 2100 बादरा बिकवा दिया, इब उसके बापू के लोट से पड़ के इब 500 में बिकल लग रहा, और कोई लंदा भी नहीं कोई। उसका दुष्यंत, उसका बापू का था दुष्यंत का बादरा, मैंने 2100 बिकवा दिया, वो खरीद लिया उन्हें 500 भी नहीं खरीद लिया, ये बदमाश है बदमाश। क्या छोड़ ना, कंडेले में इसके दादा ने कितने किसान मरवाए थे, बहुत मरवाए थे, ये एक के बाद है, एक ही बात है इनकी घर की, सब दादा इन्होंने मरवाए थे किसान कंडेले में, अनुबल्ले में किसानों का हूँ, और यू कड़े थे किसानों का न्यू बिछवा दिए थे गोले पे किसान, यूए ओम प्रकाश यूए टुकड़ा यूए टुकड़ा, और इनके तीन का है मंत्री है इतनी देर के कर दिया एक और है यू अपने इसे पोते ना लुके लुके बतलावा अगर ने नून नहीं तो नून सही। हाँ, राजनीति में आ जाओ, कुकरी आ जाओ, यही बात है भाई, क्यों करे उसके छोरे ने इस्तीफा दिया, किसने दुआ था आपको दिया, रिफ्लेक्शन क्यों लड़ा हो? एक मिनट, आंदोलन हो गया खत्म है, इन क्यों लड़ा, इनने तो भाई डोंग बनाए रखा, अक देख मारी इतना ही फिर जीत गया, उस बता उसमें कौन इस्तीफा तुम दे रहा था? कोई नहीं, अरे के उसका इस्तीफा न कर दिया, अरे अरे को रहा फिर आ लिया इस्तीफा दे तो दुष्यंत दे हो तुम्हारी आर पार की लड़ाई मोदी के लिए है, हम क्या करेंगे इसका टोटे का, ना हमारी खट्टर के लिए लड़ाई, ना हमारी दुष्यंत के लिए, इब तो हमारा जंग जो है ना फाइनल में पूछ के मोदी के लिए है, यह तो सारे रात ही है, मोदी भी पाले डीपा उसका कंती मारेंगे डीपा डीपा लू क्या फिर लग रहा है,
और टाइम नहीं है इधर आ अगे तेरी गली उड़ जाएंगे पे इनके 700-800 मर लिए और ये तेरी गली उड़ जाएंगे भीतर पड़ जाए गली बच जाएगी कड़ी पाए जोड़ी उड़ जाएंगे ये एक और कौन है एक बता मारी गली सारे जुड़ रहे आज कोई मारे कोई खिलाफ नहीं है हम एकजुट हो रहे हैं और फिर एक और बात है इन तो मौका ही होगा देखिए ये कड़ा बच जाएंगे सारे नेता देख कितने मर रहे हिंदुस्तान में कितने एमपी एक भी नहीं मरे बोलते ही नहीं इब देखेंगे ना हम सारे न्यू देखन लग रहे कौन मारे अख में बोल रहा कौन नहीं बोल रहा ईब काबू करके जुकर झोटे ने बन दिया करे नी नाथ फोड़िया करे इसका नाथ फोड़न का काम बना लिया फिर हमने शांति बतेरी कर लिया दोली शांति की तो पीते तो हमारे ये चर्चा थी हुक्का पीते वक्त जो चर्चा होती है वो हमने आपको दिखाई और किस प्रकार से जो हरियाणा का ताऊ है उन्होंने अपनी बात जो है चर्चा में रखी तो इस वीडियो को देखने वाले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें हरियाणा के करनाल जिले से ये तस्वीरें हैं जी हाँ हरियाणा के करनाल जिले से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हरियाणा के ताऊ हैं वो फिलहाल रेलवे ट्रैक पर बैठ चुके हैं और एक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया जा रहा है 10 बजे के आसपास ही जो किसान हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी देखी गई और एक ट्रेन को भी रोका गया मालगाड़ी जरूर थी लेकिन उसको रोक दिया गया और किस प्रकार से मालगाड़ी के आगे काफ़ी किसानों की मौजूदगी देखी गई और आप ये देख सकते हैं हाथ में किसानी झंडा लिए जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और ये देखिए साथ ही साथ चर्चा चल रही है साथ ही साथ हुक्का भी चल रहा है और लगातार जो किसान हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों से किसान यहाँ पर पहुँच रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले की अगर हम बात करें तो करनाल रेलवे स्टेशन पर तमाम जो किसान हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वहीं दूसरी ओर भारी पुलिस बल भी जरूर देखा जा रहा है जी हाँ भारी पुलिस बल भी जरूर देखा जा रहा है और आप ये देखिए किस प्रकार से जो लगातार किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट को लेकर देखिए जो 3 अक्टूबर को लखीमपुरी के अंदर भाजपा के मंत्री के बेटे ने 4 किसानों की मौत की थी एक पत्रकार की मौत की थी उसके बेटे की तो गिरफ्तारी हो चुकी थी पर जो उसका बाप है केंद्रीय मंत्री है वहाँ का 120B में उसका पर्चा दर्ज है अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई मंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया तो संयुक्त किसान मोर्चे ने कॉल की थी कि 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पूरे भारतवर्ष में रेल रोकने का प्रोग्राम रखना है तो करनाल जिले ने ये प्रोग्राम आज करनाल रेलवे स्टेशन पर रखा है और 4 बजे तक पूरे शांतिपूर्ण तरीके से रेल जाम रहेगी सवारी गाड़ी आती है तो व्यवस्था की गई है देखिए जो सवारी गाड़ी आती है यहाँ पर रुकती है 4 बजे तक रुकना पड़ेगा उनके लिए खाने का पीने का लंगर का जो कोई दवाई की मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी हर तरीके का प्रबंध किया हुआ है कहाँ से किसान पहुँच रहे हैं जी कितनी संख्या पहुँच चुकी है किसानों की अभी कम से कम 500-600 किसान पहुँच गए और बयान लग रहे मौसम खराब है बरसात का कुछ धान का भी सीजन चल रहा है उसमें भी बिजी है एक तरफ किसान अपने आंदोलन को संभाल रहा है दूसरी तरफ अपनी फसल को भी संभाल रहा है फिर भी पूरा सहयोग है पूरा जोश है किसानों के अंदर और करनाल के 7-8 ब्लॉक पड़ते हैं सभी करनाल के ब्लॉकों का प्रोग्राम आज करनाल रेलवे स्टेशन पर इसके बाद भी कोई प्रोटेस्ट देखा जाएगा बिल्कुल अगर अब भी सरकार पर दबाव नहीं पड़ा उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई पद से इस्तीफा नहीं दिया गया तो जो संयुक्त किसान मोर्चा इसके बाद अगर कोई कॉल देगा अब पहले रोड जाम की दी थी फिर रेलवे स्टेशन की दी थी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा अगर संयुक्त किसान मोर्चे ना हवाई अड्डे जाम करने का भी आह्वान किया तो हम वो भी बंद करने का काम करेंगे तो हवाई अड्डे की भी बात यहां पर जरूर की जा रही है फिलहाल रेलवे स्टेशन की ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से रेलवे ट्रैक पर ये देखिए ये रेलवे ट्रैक है रेलवे ट्रैक पर किसान यहाँ पर बैठा हुआ है हुक्का यहाँ पर जो है चल चुका है और ये देखिए चर्चा भी चल रही है और हुक्का भी यहाँ पर जो है चलता हुआ दिखाई दे रहा है और चर्चा भी जरूर की जा रही है तो जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24